तक लव का लावण्य देखा, अब कुश का क्रोध देखोगे। तो रुक ही नहीं रहे, ये आगे बढ़ने से रोकना होगा मुझे, कोई तो उपाय लगाना होगा। वैद्य जी, चिंता मत कीजिए, मेरा भाई दृढ़ संकल्पी है, उसने जो कहा है वो करके रहेगा, आप घबराइए मत। तो हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम इस प्रकार हार नहीं मान सकते। स्मरण करो कि हम श्री राम की सेना है, अयोध्या की सेना है, इसको अपना पराक्रम दिखाते हैं। अरे 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 उद्धत स्त्री, अपने पति को मार रही हो, लज्जा नहीं आ रही तुम्हें? पुरुष पर लाठियां बरसा रही हो,
इतना दुस्साहस तुझ में कहां से आ गया? क्यों? दुस्साहस केवल तुम पुरुष ही दिखा सकते हो। मित्र को पीड़ा हुई तो चित्कार निकल आई, और जब वो मुझे मार रहा था तब कहां थी ये सहानुभूति? ये पीड़ा का आभास पीड़ा के केवल पुरुषों को होती है, हम स्त्रियों को नहीं। क्या ये अधिकार सिर्फ पुरुषों का है कि वो जब चाहे जैसे चाहे उन्हें पीड़ा पहुँचाए? स्त्रियां केवल उनकी यातनाओं को भोगेंगी? इसी विचारधारा को तो बदलना होगा हमें। यही तो हम स्त्रियों की भूल है। हम अत्याचार करने वाले पुरुषों के प्रति हमेशा मौन रहती हैं। अपने ही घर में पुत्र और पुत्रियों में भेदभाव करती हैं। समाज में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं? भूल किसी की भी हो, दंड केवल स्त्रियों को ही क्यों? देखने वाली की दृष्टि की मलिनता को तो हम दूर नहीं कर सकते, अपितु स्त्रियों पर पर्दा प्रथा थोप देते हैं। यदि आज हमने इसे नहीं बदला तो यही चलता आया है और यही चलता रहेगा। हमें इसे बदलना होगा। समाज में जो नियम होंगे वो समान स्तर के होंगे। अपराधी को दंड दिया जाएगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। हमें संकीर्ण विचारधारा को बदलना होगा। मैं आज से, अभी से इसे बदलूंगी। अयोध्या का घातक अस्त्र मड़ू, इससे बचना कठिन है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा। इस लड़ाई को युद्ध का रूप देकर आप सबने बहुत बड़ी भूल की है। अब देखो मैं क्या करता हूं। तुम जो भी कर रहे हो वो गलत है। रुक जाओ। नहीं बहन, तुम भी इसमें मत आओ। ये व्यक्ति अपराधी है, इसे दंड मिलना ही चाहिए। ये इसी के योग्य है। हाँ, ये इसी योग्य है, किंतु जो लवकुश के साथ होने वाला है वो उनके योग्य नहीं है। क्या? हाँ, लवकुश को पकड़ने के लिए स्वयं युवराज भरत गए हैं, और वहाँ कुश उनकी विशाल सेना से अकेले ही लड़ रहा है। मुझे तो भय इस बात का है कि कहीं ये लड़ाई विकराल रूप न ले ले। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे भाई के जीवन का प्रश्न है। देखो कुश, जैसी मेरी सेना कहती है तुम वैसा करो। तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तो तुम्हें अवश्य भुगतना ही होगा, और तुम्हारे भाई का उपचार हम करवाएंगे। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद,
किंतु मेरे भाई का उपचार हो रहा है और वो शीघ्र ही स्वस्थ भी हो जाएगा। और रही बात आपके सेना के आज्ञा पालन करने की, तो ये मैं कदापि नहीं करूंगा। यदि मैंने दुस्साहस किया है तो उन्होंने भी अपनी मर्यादा लांघी है। कुछ ऐसे में तुम अपना अपराध और दंड दोनों बढ़ा रहे हो। यह आपकी सोच है, मेरी सोच में मैंने कोई अपराध नहीं किया। सेनापति रुक जाइए, युवराज भरत रुक जाइए। पिछले कुछ समय से यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें लव और कुश का कोई दोष नहीं, ये दोष मेरे पति का है, उन्हीं के कारण ये सब कुछ हो रहा है। क्या बताओ युवराज को और बताओ इन सब को कि कैसे तुमने अपने दुष्कर्म और षड्यंत्र से लवकुश के महान कार्य को रोकने का प्रयास किया। बोलते क्यों नहीं, बताओ मौन क्यों खड़े हो? क्या तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है रजक? युवराज, ये स्त्री मूर्ख है और ये लवकुश भी समाज में इस जैसी चरित्रहीन स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है और ना ही लवकुश के लिए। इनका दुस्साहस तो देखिए, इस सीता जैसी स्त्री को समाज में सम्मान दिलाना चाहते हैं। क्या तुम सीता माता के सम्मान के लिए लड़ रहे हो? नहीं युवराज, ये तो अयोध्या के अपमान के लिए लड़ रहे हैं। वो अयोध्या जो आदर्श स्थान रखती है, जहां इस जैसी चरित्रहीन स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं है, इस जैसी स्त्री के पापों को क्षमा नहीं किया जाता, फिर चाहे वो महारानी क्यों ना हो। सीता जैसी चरित्रहीन स्त्री को इस नगर से निष्कासित किया गया, ऐसी अयोध्या के मान को क्षति पहुंचा रहे ये लवकुश। इसके लिए एक बार क्या, सहस्त्रों बार भी मैं इनके प्राण हरने को सज्जू हूं। बस मौन रहो रजक, अयोध्या के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के संरक्षण का दायित्व केवल एक व्यक्ति का है और वो है श्री राम। तुम जैसे बड़बोले और अयोध्या के नियम तोड़ने वाले हर एक व्यक्ति का केवल एक ही स्थान है और वो है कारागृह। सैनिकों, आप गलत कर रहे हैं। युवराज भरत अयोध्या के विनाश का नया अध्याय लिख रहे हैं। ये स्त्री किसी भी प्रकार क्षमा योग्य नहीं है। इसने स्त्री होकर अपने पति परमेश्वर पर हाथ उठाया। मेरी ये दुर्दशा इसने की है, इसका इतना दुस्साहस, और आप इसको दोषी न मानकर मुझको दोषी मान रहे हैं। सैनिकों, इसे मेरी दृष्टि से दूर ले जाओ। आप कारागार में डाल दे, पाताल में, मेरी सोच नहीं बदलेगी।
मुझे क्षमा कर दो कुश, मुझे ज्ञात नहीं था कि तुम सीता माता के सम्मान के लिए लड़ रहे हो। कुश, तुम दोनों ने जिस महान कार्य को सिद्ध करने का संकल्प लिया, उसकी जानकारी पाकर ऐसा लगने लगा है कि जैसे अब हमारे बीच आयु और पद जैसे मापदंड लुप्त होने लगे। मैंने तुम दोनों को दोषी माना, उसके लिए मैं तुम दोनों से क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझे क्षमा कर दो। नहीं, ऐसा मत कहिए काकाश्री। क्या काकाश्री, तुमने मुझे काकाश्री कहा? वो क्या है ना, ऐसी उदारता तो घर के बड़े ही दिखाते हैं, जिस प्रकार आप दिखा रहे हैं। और हमसे क्षमा मांगकर हमें लज्जित मत कीजिए। जब हमने हमारी मंशा आपके समक्ष व्यक्त नहीं की तो उसमें आपका क्या दोष है? मेरे विचार से हम सबके लिए यही उचित होगा कि इस प्रसंग को हम यही समाप्त कर दें, है ना कुश? मैं तुम्हारे इस अभियान में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए, भैया और भाभी माँ को पुनः एक होते देखने से महत्वपूर्ण अधिक कुछ भी नहीं। क्षमा कर दीजिए, हम आपसे सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि पहले ही अयोध्या वासी इस संदेह में है कि कदाचित श्री राम और माता सीता ने हमें उनकी छवि सुधारने भेजा है, और ऐसे में आप हमारी सहायता के लिए आगे आएंगे तो उनका संदेह विश्वास में बदल जाएगा। उचित है। अच्छा, सहायता नहीं कर सकता, पर तुम दोनों मेरे साथ हमारे राजमहल तो चल सकते हो। जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक तुम वहां विश्राम कर सकते हो। उसके बाद जब तुम स्वस्थ हो जाओगे तो पुनः अपने अभियान में लग जाना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पूरा परिवार तुम दोनों के साथ रहकर अधिक प्रसन्न होगा।